देखो कितनी चिंता हो रही है जी, मुंह पे लग गया ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, मम्मा जिम चले गए हैं और उठ तो मैं पहले गई थी बट उठ के पढ़ाई करने बैठ गई थी। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। आज मैं जल्दी इसलिए नहा रही हूँ क्योंकि मुझे हेयर वॉश करने थे, तो मैंने सोचा टाइम पर नहा लेती हूँ, फिर देखते हैं पूरा दिन क्या करने वाले हैं। गाइस ये देखो, मम्मा भी जिम से घर आ गए। क्या सर आपका जिम? जिम में आधे सामान लगा है यार, बहुत दिक्कत आई, खाली कंधे दर्द हो गए। अच्छा और रस्सी लेके गई थी, रस्सी लेके नहीं जाते थे ना, तो कुछ भी नहीं था। ठीक तो है, सुबह सुबह वर्कआउट हो गया आपका? फिर वापस आना पड़ता। स्वेट देखो, सर्दियों में भी पसीना। अब सो जाओगे? क्यों, सो काम कौन करेगा? नाश्ता नाश्ता करना है क्या? हाँ भूख लगती है मम्मा। नाश्ता क्या करें यार, बोलते नाश्ता नहीं करना है, आज छुट्टी मार देते हैं नाश्ते की। चलो यार आप भी क्या याद रखोगे, छुट्टी वेट कम करना है तो पेट को भूखा मारना है। ये बोलो मुझे आला सारा नाश्ता बनाने में। मेरा तो मन ऐसा कराना, रिलैक्स होके सो जाओ। चलो मैं जा रही हूँ, चाय पिला के अपनी माँ को। मेरे माँ बाप कभी चाय नहीं पीते, तो कभी पीती हूँ, इतने पीती हूँ, चाय नहीं पीते। ये चाय पीना गलत बात होती है, मुझे आपकी हेल्थ का ख्याल है इसलिए नहीं बनाती हूँ। चाय चाय बना के खबर क्यों, मेरे हाथ की चाय अलग ही होती है क्या? भगवान मेरा सौरभ, मेरा सौरभ भाई, हो गया बाय, गुड नाइट। गाइस मैंने नहा लिया है और अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है, अंदर ठंड लग रही थी इसलिए मैं अभी यहाँ पे दरवाजे के पास धूप सेकने आ गई। ये देखो मम्मा बना रहे हैं नाश्ता, सब्जी। ओ माय गॉड, और आटा भी निकाल के रख दिया है। झाड़ू लगा ले। हाँ हाँ लगा रही हूँ, झाड़ू तो लगा दिया है और हम लोग का ब्रेकफास्ट भी लग गया। फटाफट से नाश्ता करते हैं, भूख लग गई भाई। मम्मी कितने रोटी खाओगे आप? खाऊंगी 3 रोटी। अच्छा मुझे लगा जिम डाइट पे आज आप नाश्ता ही नहीं करोगे। आज तो बना है पनीर। गाइज हम लोग का ब्रेकफास्ट तो हो गया है और अभी जा रही हूँ टाइसन को खाना देने। टाइशु, ए मेरा सोनू, इधर आओ। नहीं 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 खाओ। ये देखो कितने मजे लेके खा रहा है। खा खा खा, बाय। नहीं आ रही बाबा, खा ले। चलो भाई अंदर चलते हैं, उसको लग रहा है मैं उसका खाना छीन लूँगी इसलिए घूर घूर के देख रहे हैं। गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने कपड़े इसलिए चेंज किए क्योंकि मैंने अभी मम्मी के सर में मेहंदी लगानी है, तो जो टॉप मैंने पहले पहना था मैं नहीं चाहती थी कि उसमें गलती से भी कोई स्टेन पड़े, तो मैंने पुराना वाला टॉप पहन लिया। और ये देखो मम्मी लगाए फिर है लगाने नहीं क्या, बार बार वीडियो में क्या बता नहीं सही क्यों लगी। देखा गाइस ये इतना गुस्सा करते। अब लगा भी मैं रही हूँ बट ये नहीं कि थोड़ा ढंग से बोल लें, उसमें भी मुझे गुस्सा कर रहे हैं। शिवानी हाँ, उल्टा टी शर्ट पहन क्यों पहना है? उल्टा सीधा पहना है देखो। ओहो मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई, इन्हें दिख नहीं रहा। इधर तो दिखा दो। नहीं उन्होंने खुद की सेफ्टी के लिए देखो मेरी फ्रॉक का यूज कर रहे हैं, इसमें स्टेन पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तेरी फ्रॉक है वो? मैंने अब मेरा मेहंदी लगाने वाला है। तो पहले किसका था? पहले किसका था? मैंने दिया तब तो आपका हुआ, पुराना फेंका हुआ है वो। इनको इतना ही देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसकी सर्जरी करने जा रहे। देखो आप में से जो भी लोग मुझसे पूछे ना कि हेयर केयर रूटीन क्या है, तो भाई मेरा कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है, मुझे मेरे बाल विरासत में मिले हैं क्योंकि मेरी मम्मी के बाल भी अच्छे हैं और मेरी नानी के बाल भी बहुत अच्छे थे और लेंथ में भी लंबे थे, है ना मी? ये देखो दो बहुत है अभी फिलहाल। तीन का देती थी,
तो गाइज ये है इनके बिफोर कलर वाले हेयर, और देखते हैं कलर करके कैसा डिफरेंस आता है। आता भी है कि नहीं आता है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं कर रही थी ना, इसलिए मैंने बोला। आप ही तो बोलते हो तू नौसिखिया है, तो शायद आए नहीं आए। ग्लव जी क्यों नहीं पहन रही? फटाफट पहन रही हूँ, गुस्सा क्यों करते हो? खुद नए वाले ग्लव्स मुझे, पुराने ग्लव्स क्यों दिए? मेहंदी करनी थी रात में, मेहंदी वाले ही हैं। ग्लव्स कोई बात नहीं, फटने दो। आपने कौन सा लगाना है? मिक्स 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 मिक्स। गाइज अंदर ठंड हो रही है, तो मैंने डिसाइड किया है मम्मी के बालों में बाहर बैठ के कलर किया जाएगा आज। आओ, मुझे नहीं पता, आओ जल्दी बैठो, यहीं पे नीचे बैठना, नीचे जल्दी जल्दी। टाइम ना लगा, एक कॉम बैठाओ तो टाइम ना। ठीक है ठीक है। गाइस ये देखो मेरा काम तो हो गया, और मम्मी अभी धूप में सुखा रहे अपने बाल। एक बार फ्रेंड से दिखाती हूँ मुँह। ब्लैक हुए नहीं हुए गाइस बताना तो थोड़ा। ब्लैक हुए या नहीं हुए वो तो धुल के पता चलेगा ना। तेरे से अच्छे लगने चाहिए। अच्छा मेरे बाल कहाँ है अच्छे यार? अच्छे अभी ये धूप में हमने बाल सुखा रहे हैं। गाइस मेरा एक अंगूठा टूट गया, देखो तो ये लटकने लग गया ये अंगूठा। क्या हो गया? मैं तो छह अंगुलियां थी, आप एक तो गायब हो गई। वाह, मम्मी को बालों में मेहंदी लगाने की भी जल्दी थी, फिर सुखाने की भी जल्दी है, और इसके बाद धोना भी है, क्योंकि 4 बजे तक हम लोग को बैंक भी पहुंचना है। पापा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए बोले हैं, तो देखो अभी धूप में बैठ के बाल सुखाए जा रहे हैं। गाइज मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं बेड लगा के सो जाऊं, नहीं मस्त धूप हो रही है ना, और सर्दियों की धूप तो यही धूप गर्मियों में कितनी इरिटेटिंग लगती है ना। वक्त वक्त की बात है। नहीं लगा भाई, देखो कितनी चिंता हो रही है जी, मुँह पे लग गया ये। गाइस ये देखो मम्मी नहा के आ गए। इधर देखो मम्मी, अब बताओ इधर उधर लगा कहीं कलर? अभी तो नहीं लगा, क्योंकि बाल काले हुए नहीं हुए। देखो वो तो सूख के ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये देखो मैं सीताफल खा रही हूँ, आई लव दिस, मेरा फेवरेट फ्रूट है। गाइस आ जाओ, 24 घंटे आप भी बोलोगे कभी इसके मुंह में ही रहता है। ये सच है भाई, ये हमेशा चाय पीते रहते हैं सुबह से शाम तक। चाय नहीं है गाइस, ये ग्रीन टी है। देखो ये चाय तो चाय होती है भाई, दूध वाली हो या ग्रीन वाली हो, कैसी बात कर रहे हो? लिप्टन की है ग्रीन टी। लिप्टन ग्रीन टी, कोई फायदा हो रहा है इनको ग्रीन टी पी के? ना, ये खाओ, हेल्दी भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। राशन का कमरा साफ करके आ गई, दिख नहीं रहा आपको उसका बिस्तरा भी बिछा दिया मैंने। ये देखो मेरे टाइसन को भी सीताफल बहुत पसंद है। ए मेरा चोनू, नाउ सिट टाइसू, ये लो और दूंगी, सिट सिट। गुड बॉय, अब नहीं मिलेगा, बाय। गाइज मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ बैंक जाने के लिए, और मम्मा जो मुझे कह रहे थे जल्दी कर, वो खुद अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। ये देखो आज मम्मी ने क्या पहना है, इधर तो देख दो यार। शिवानी लेट हो रहा है, बोलती अभी मेरे को ये ब्लॉक के चक्कर में मत लगी रहो तू, पापा गुस्सा करेंगे और इतना लेट होगी। चलो चलो बैठ रही हूँ, यहीं से बैठ जाओ, वहाँ से बैठ बोल रहा, बैठ गई यार अब चलो। गाइस हम पहुँच गए हैं पोस्ट ऑफिस, अब देखते हैं काम होता है कि नहीं। गाइस लकीली हम लोग का काम हो गया, और आपको पता है मम्मी घर से मुझे बोल रहे थे बैंक जाना है बैंक जाना है, आना हमें था पोस्ट ऑफिस, वो भी सिर्फ चेक कलेक्ट करने। बट टाइम पे हम लोग का काम हो गया, और वैसे भी ऑफिस 6 बजे बंद होता है, हम लोग को लगा 4 बजे होता है, इसलिए हम जल्दीबाजी में आ रहे थे। क्यों बोला आपने मुझे बैंक बैंक? अरे जल्दीबाजी और बड़ाट हो गया होगा, बैंक ही निकल गया मुँह से। कोई बात नहीं, काम तो हो गया हम लोग का। गाइस अभी मम्मी गए हैं सैंडल सिलवाने, क्योंकि कल हमें शादी में जाना है। ये देखो आप ही गए, नया नहीं खरीद सकते हैं, पुराना ही सिलवा रहे हैं। गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, और ठंड भी लग गई यार, ये इतने लंबे क्यों लग रहे मालूम है? ये देखो
हील्स पहन के। वो मैं मोची के पास सिला के लाई हूँ ना, चेक कर रही हूँ आप हाइट से इतनी वेट है। पाँच मैंने टाइसन को घुमा दिया है और ये अंदर भी आ गया मेरे पास खाने के लिए, दिख रहा है पर इसका खाना भी बन रहा है। और ये मम्मा कर रहे हैं पूजा। आ जा, तेरे ही खाना बन रहा है भाई, इतना इंपेशेंट क्यों हो रहा है, मिल जाएगा अभी। किचन में आना अलाउ नहीं, बाहर चलो अभी डांट रही हूँ मैं। आ जा जल्दी, जल्दी आ। मस्ती क्यों कर रहा है, कहना नहीं मानते तुम, इधर आ। टाइसन याद आ रही आंटी, अब तुम्हारा घर ऊपर है भाई, अब तुम नीचे अलाउ नहीं हो। अच्छा काटेगा तू मुझको है? खाना बन गया तेरा, खाना बन गया तेरा। हाँ कर रही हूँ, ये मुझे ही खा रहा है। मम्मी इसको आज डिनर मत देना, छोड़ अबे छोड़, अबे छोड़ तू। गाइज ये आ गई हमारी इवनिंग टी, अब मम्मा और मैं बैठ के चाय पियेंगे। इसको देखो क्या है भाई, तेरा खाना भी बन गया, भी मिल जाएगा थोड़ी देर में। किसका इनविटेशन है ये? रात का तो 8 बजे है। कितने तारीख का? 25 तारीख। ओके बारात में उधर। हाँ हमारे पास दो दो इनविटेशन है और 25th का एक और इनविटेशन आ गया। 25 को रात को आएगी ना बारात, तो होटल में तो हम शाम को जाएंगे। ओके तो गाइस हम लोग का डिनर हो गया है और इन्होंने तो पचा भी लिया। ज्यादा खा के स्टेशन के साथ दौड़ के आ गई हूँ, क्या करूँ खाना पचाना पड़ता है ना, वैसे इतनी मोटी हो रही हूँ। और इनका तो कुछ नहीं है, अभी चले जाएंगे सोने के लिए क्योंकि खा भी लिया। मॉर्निंग में जल्दी भी उठना पड़ता है गाइस, ये तो आराम से उठती है, मुझे उठना पड़ता है 4:30 बजे, डॉगी को घुमाना पड़ता है, फिर 5 बजे नहाना पड़ता है, 5:30 बजे तक पूजा करनी है, 6 बजे जिम जाना पड़ता है। फिक्स टाइमिंग है। तो ये चले जाएंगे सोने के लिए, मैं करूंगी भी एडिटिंग, फिर पढ़ाई भी करनी है, फिर उसके बाद में जाके सोऊंगी। तो गाइज आज का व्लॉग खत्म करें यहीं पे, आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, लाइक भी कर देना। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।